हेलो दोस्तों, तो चलिए आपकी क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे आप लोग वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट 2020 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जानेंगे, आखिर इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसमें आपके देखेंगे वैश्विक ऊर्जा की मांग क्या है, कोयला मांग, तेल मांग, गैस की मांग, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की मांग, बिजली की मांग देखेंगे, COVID-19 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उत्सर्जन की क्या संबंध है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत की ऊर्जा मांग के बारे में भी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस संदर्भ में अभी चर्चा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 यानी कि 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस, वैश्विक ऊर्जा मांग और CO2 उत्सर्जन पर संकट का प्रभाव भी शामिल है आपका। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की अगर हम लोग बात करें तो लॉकडाउन ने कई देशों में बड़े पैमाने पर परिवहन प्रतिबंधित है, जैसे सड़क और हवाई यात्रा, जिससे वैश्विक ऊर्जा मांगों में भारी कमी देखी गई है आपकी। कुछ दिन पहले आपने आर्टिकलों में देखा होगा, न्यूज़पेपरों में भी देखा होगा कि तेल इतना सस्ता हो गया था, कच्चा तेल, कि तेल भी दे रहे थे और पैसा भी दे रहे थे, यानी कि हाल वैसा ही था। आप समझ सकते हैं कि आप कोई आपको आलू टमाटर दे और साथ में कहें कि ले लीजिए, पैसा भी ले लीजिए और आलू भी ले लीजिए, तो समझ रहे हैं इतना सस्ता तेल हो गया था। फिर आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि आखिर इतना तेल सस्ता हो गया था तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ क्यों रही थी। तो मैं आप सभी को एक बात नॉर्मल तरीके से बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा किसान से आलू कितने रुपए किलो लेता है बिचौलिया यानी व्यापारी, 4 से 5, 6, 7 रुपये किलो। ठीक है, उसे जाके बाजार में कितने रुपये किलो बेचता है, 25 से 30 रुपये किलो। तो ये व्यापारी होता है कितना पैसा खाता है, जो 5 रुपये से ज्यादा होता है। तो यही आपकी सरकार का हाल है। किसका? सरकार का हाल है, यानी कि सरकार क्या करती है, बीच में टैक्स लगा देती है, तो आपको उतना ही महंगा दिया जा रहा है जितना पहला था। और अगर महंगा होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेल की कीमत बढ़ती है, तब भी आपसे टैक्स वसूल भी लिया जाता है, यानी कि आपके डीजल पेट्रोल पर कीमत बढ़ा दी जाती है। तो केवल सरकार का फायदा है, इससे आपका कोई फायदा नहीं रहा है। ठीक है, चलते हैं वैश्विक ऊर्जा मांग की बात करते हैं। पूर्ण लॉकडाउन वाले देशों में वित्तीय सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि आंशिक लॉकडाउन वाले लोगों में ऊर्जा मांग में गिरावट प्रति सप्ताह लगभग 18% देखी गई है। एक बात आप लोग हमेशा जानते हैं कि आपके यहाँ गाड़ी नहीं चल रही है, अगर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो आप डीजल कहाँ डालेंगे, क्या बाहर तो देंगे नहीं, तो वो बचत हो रही है नहीं हो रही, यही बात है। वैश्विक ऊर्जा मांग में 2019 की पहली तिमाही की तुलना में 2020 यानी कि 2020 की पहली तिमाही में 3.8% यानी कि 3.8% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा यह उम्मीद की जाती है कि 2020 यानी कि 2020 में ऊर्जा की मांग पर COVID-19 का प्रभाव वैश्विक ऊर्जा पर ऊर्जा मांग पर 2008 के वित्तीय संकट के प्रभाव से 7 गुना अधिक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2008 में जो आपकी वित्तीय संकट आया हुआ था उससे भयानक संकट है हमारा कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की वैश्विक मांग का विश्लेषण नीचे दिया गया है। कोयला मांग 2019 की तिमाही पहली तिमाही की तुलना में इसमें 8% की गिरावट आई है। इस तरह की गिरावट के कारणों में शामिल है चीन एक कोयला आधारित अर्थव्यवस्था, पहली तिमाही और सस्ती गैस में COVID-19 द्वारा सबसे प्रभावित देश था, और नवीकरणीय ऊर्जा ने कोयले को
लगातार चुनौती दी है। तेल की मांग, पहली तिमाही में 5% की गिरावट आई, प्रमुख रूप से गतिशीलता और विमानन में वक्रता के कारण, जो वैश्विक तेल मांग का लगभग 60% है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि तेल की वैश्विक मांग में 2020 में औसतन 9% की कमी आ सकती है, जो 2012 के स्तर पर तेल की खपत के स्तर पर रहेगा आपका। गैस की मांग पर महामारी का प्रभाव लगभग 2% पर मध्यम रहा है, क्योंकि आप जानते हैं गैस अधिकतर आपकी गैस यूज होती है घरों में इस तरह से, तो वो चालू बनी रही है, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है। 2%, ये 2% भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि गैस आधारित अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में दृढ़ता से प्रभावित नहीं हुई थी। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की मांग, यह एकमात्र स्रोत है जिसमें मांग में वृद्धि दर्ज की गई है, जो बड़ी स्थापित क्षमता द्वारा संचालित है। इसके अलावा कम परिचालन लागत और कई बिजली प्रणालियों के लिए तरजीही पहुंच के कारण नवीकरणीयों की मांग में 2020 तक 1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की मांग में वृद्धि देखी गई है। बिजली की मांग, कई देशों में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दौरान इसमें 20% की गिरावट आई है। हालांकि आवासीय मांग वाणिज्य और औद्योगिक संचालन में कटौती से आगे निकल जाती है। COVID-19 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुल मिलाकर 2020 में उत्सर्जन में गिरावट 2019 की तुलना में 8% हो सकती है, जो 2010 के बाद उत्सर्जन का सबसे निचला स्तर होगा। यह उत्सर्जन में कमी का सबसे बड़ा स्तर भी है। 2009 के वित्तीय संकट के दौरान साक्षी की तुलना में 6 गुना बड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखे गए सभी कटौती की कुल मिलाकर 2 गुना है। 2020 की पहली तिमाही में CO2 उत्सर्जन में गिरावट वैश्विक ऊर्जा मांग में गिरावट से अधिक है। भारत की ऊर्जा मांग की बात करें तो भारत जो IEA एसोसिएशन देशों में से एक है, ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप अपनी ऊर्जा मांगों में 30% की कमी का अनुभव किया है। इसके अलावा भारत में जहां आर्थिक विकास और बिजली उत्पादन काफी धीमा है, कोयले की मांग में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। चीन और भारत क्रमशः दुनिया में सबसे बड़े और तीसरे सबसे बड़े बिजली उपयोग करता है, और इस ईंधन की वैश्विक मांग को आकार देने वाली वाले इस इन दोनों देशों में कोयले का उपयोग प्रमुख है। भारत पर वैश्विक गैस बाजार की निर्भरता है। भारत दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला बन गया है। प्राकृतिक गैस पर सरकार द्वारा जारी नीति के निवेश के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर बाजार, जो कि उत्पादन, आयात और वितरण बुनियादी ढांचे के लिए 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक मजबूत निवेश की योजना है, जो वैश्विक मांग को बढ़ाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता गैस बाजार है। हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण नीतिगत सहायता दिया गया है, जिसमें शहर के गैस वितरण के लिए नए लाइसेंस देना, लंबी लंबी पाइपों के लिए पाइपलाइन टैरिफ बढ़ाना और अधिक प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आपका काउंटी में गैस आयात और वितरण अवसंरचना के निर्माण के लिए आवंटित 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कैपेक्स है, और वित्त वर्ष 2019-20 से घरेलू गैस उत्पादन के पुनरुद्धार के लिए पाइपलाइनों, शहर के गैस अवसंरचना, ईंधन के बुनियादी ढांचे और इसके LNG आयात सुविधाओं का दोगुना करना है। देश में 25.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ निर्माणाधीन 5 नए टर्मिनल हैं, जो 2020 तक पूरा होने की संभावना है। ये टर्मिनल मौजूदा पश्चिमी और उत्तरी बाजार में आयात बाधाओं को कम करेंगे और गैस को दक्षिणी और पूर्वी विभागों में भी उपलब्ध कराएंगे आपके देश में। भारत की LNG की मांग 2018 में 22 मिलियन टन MT से बढ़कर 2025 में 31 मैट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो 4% की वार्षिक वृद्धि दर पर है। भारत गैस बाजार के रूप में LNG
प्रोपेन और ईंधन तेल के बीच उतार चढ़ाव की मांग के साथ विशेष रूप से बिजली और औद्योगिक गैस के उपयोग के लिए बेहद मूल संवेदनशील है। रिपोर्ट के अनुसार गैस की कीमतें 20 साल के तेल क्षमता समता अर्थशास्त्र के बाद कम संरचना रूप से रहने के लिए निर्धारित है। इस बाजार में गैस का उपयोग करने की क्षमता 2025 तक 12 बिलियन डॉलर से 15 बिलियन डॉलर तक अधिक हो सकती है। सस्ती गैस भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसे समय में वरदान है जब गैस को नियंत्रित करने के लिए समाधान का एक बड़ा हिस्सा बनने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन प्रदूषण लगभग 177 शहरों में 2025 तक गैस नेटवर्क होना तय। 5 साल में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर 2.2 यानी कि 2.2 गुना अधिक लोगों या फिर 50% आबादी को कवर करेगा और 5 गुना अधिक घरों में गैस का उपयोग होगा। हमारा अनुमान है कि यह सूचीबद्ध सिटी गैस खिलाड़ियों के मौजूदा बाजार के कैप के लगभग 4 गुना निवेश करेगा। यह कार्य वैश्विक ऊर्जा उद्योगों को बढ़ाएंगे। जिसकी बात कर रहे हैं ना आप लोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, इसके बारे में भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो विश्वसनीय सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1973 के बाद हुई थी, 1974 में स्थापित। तेल संकट के बाद ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था। इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट IEA द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आपका भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बन गया। फरवरी 2018 में मैक्सिको आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का 30वां सदस्य देश बन गया। लेटिन अमेरिका में इसका पहला सदस्य है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जो आपकी रिपोर्ट जारी की है वैश्विक ऊर्जा समीक्षा उसके बारे में। ठीक है।